हाय फ्रेंड्स, नाइट के जो हैं 10 बज चुके हैं। हम लोगों का खाना पीना सारा हो चुका है और ये 23 तारीख की नाइट की छोटी सी क्लिप है। तो मैंने 23 तारीख को जो है शाम को ही चने और मूंग भिगो दिए थे साबुत, और आपको बताऊंगी अब मैं क्या करूंगी और ये क्यों भिगोए थे मैंने। तो इनमें को जो है धो के और इनमें से थोड़ा थोड़ा अलग कर लूँगी। तो ये मैंने थोड़े थोड़े अलग कर लिए हैं। कुछ को जो है मैं साबुत रखूँगी और कुछ को जो है मुझे पीस लेना है इसका पेस्ट। और फ्रेंड्स देखिए, ये है सब्जी जो मैंने सुबह के लिए काट दी है। लौकी और टमाटर और हरी मिर्च है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सब्जी को नहीं काटते हैं इस दिन। जो दाल और चने का पेस्ट था वो तैयार है हमारा, तो इसे मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। और 24 तारीख को है वत्स द्वादशी, तो उस दिन हमारे यहाँ चक्कू को हाथ लगाया भी नहीं जाता, ना ही कुछ पीसा जाता है। तो इसलिए मैंने सब्जी जो है काट के रख ली है और दाल को पीस के रख लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्रीज में, और कल इसका क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। और क्यों किया जाता है ये पूछा तो इसको भी बताऊँगी। तो चलिए रख देते हैं फ्रीज में इसे। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग है 24 का मॉर्निंग का। तो सुबह जो है मैं जल्दी उठ के नहा ली हूँ और अब आपको बताऊँगी कि क्या होती है वत्स द्वादशी। तो यहाँ पर मैं साड़ी पहन रही थी, और हमारे यहाँ जो है मतलब ऐसे कोई कुछ होता है ना तो येलो और रेड कलर की साड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आई थिंक सबके यहाँ ही ये कलर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, रेड है, येलो है, पिंक है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है। तो मैं जो है साड़ी को थोड़ा सा बांध रही थी, और पंखे से जो है बार बार साड़ी की जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से नहीं बन रही थी, और क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैं यहाँ जो है प्लेट्सों को सेट कर लेती हूँ और फिर जल्दी से जो है साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि आज जो है वत्स द्वादशी है और इसकी जो है हमारे यहाँ बहुत ऐसे पूजा की जाती है। और शायद आज जो है फ्रेंड मुझे थोड़ा भूखा ही रहना पड़ेगा और इस सिचुएशन में भी, पर बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। मतलब चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन हो पर इस पूजा को नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूजा मानी जाती है। तो मैं जो है पहली बार प्रेगनेंसी में ये पूजा करूँगी, तो देखिएगा आप किस तरह से करती हूँ और क्यों की जाती है ये भी आपको बताऊँगी। बहुत ही ज़रूरी है ये पूजा। तो यहाँ पे जो है मेरी प्लेट्स बन चुकी हैं, मैंने प्लेट्स को डाल लिया है अंदर, और अब जो है पिन से सेट कर लूँगी। और क्योंकि है ना बिना प्लेट पे पिन लगाए है ना मेरी रुकती ही नहीं है, पता नहीं निकल जाती है। अब ये पता नहीं प्रेगनेंसी की वजह से है या कैसे, मुझे आदत नहीं है, तो मैं प्लेट्स में जो है पिन जरूर लगाती हूँ। आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपको जो है पिन लग जाती है, लग जाती होगी, तो आप जो है पिन मत लगाया कीजिए प्लेट्स में, क्योंकि डर रहता है। पर क्या करूँ, मुझ पे जो है रुकती नहीं है मेरी साड़ी बिना पिन के। तो यहाँ मेरी पिन लग चुकी है और मैं थोड़ा सा जो है ब्रेस्ट पे से साड़ी को ठीक कर रही थी, प्लेट्स को, जो ब्रेस्ट वाली प्लेट होती हैं उनको। तो चलिए, और अब जो है मैं बना लेती हूँ अपने बाल। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार वत्स द्वादशी की पूजा के लिए, और इसमें जो है पछली वाली गाय की ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। फ्रेंड्स देखिए, थाली मैंने लगा ली है और भगवान ने सुन लिया। देखिए गाय माता और बछड़ा दोनों ही घर पे आ गए हैं। गाय माता को पता है ना इस परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँगी, तो देखिए यहीं पर आ गई हूँ। तो चलिए इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ आज जो है ना बछड़े वाली गाय की ही पूजा की जाती है। जय हो माँ, जय हो बछड़ा। देखिए गायों की हालत कैसी हो रही है ना, पहले बछड़े के कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पल्लू और गिरता है बार बार। गाय माता करा लो। अरे यार ये सोच रही है, इसको डर लग रहा है थोड़ा सा, और मक्खी भी लग रही है ना उस वजह से।
यहाँ पर जो है मैं गाय की और बछड़े की पूजा कर रही हूँ और मक्खियाँ लग रही थी। और यहाँ पे जो है हमारे सारा श्रृंगार का सामान जो होता है, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, सारी चीज़ें जो हैं गाय माता को लगाई जाती हैं और टच की जाती हैं। और यहाँ पे फिर जो है दुई दलिया अन्य ही गाय को खिलाते हैं और उसी का हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे चना मूंग जो मैंने रख दिए थे ना रात को साबुत, तो उसमें से मैं इनको खिला रही हूँ। और कुछ मैं खाऊंगी तो मैं जो है उसका कुछ बना लूँगी या उन्हें ऐसे ही फ्राई करके खा लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं इसे चमत्कार से कम नहीं समझती, क्योंकि मेरी लाइफ, मतलब अभी तक की जो मेरी लाइफ है उसमें मैंने ये पहली बार देखा है। हर बार जो है मुझे ऐसे ही जगह जगह घर घर जाके पूछना पड़ता है कि आपकी गाय के नीचे बछड़ा है या नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे है ना बहुत, मतलब खुशी भी थी और अंदर से बहुत, मतलब ऐसी संतुष्टि थी कि देखिए आज ईश्वर ने जो है, भगवान को पता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है तो मैं कहाँ जाऊँगी, और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो भगवान ने खुद जो है, भगवान कृष्ण ने गाय माता को बछड़े सहित जो है घर भेज दिया है मेरे दरवाजे पे। तो यहाँ मैंने आराम से पूजा कर ली और देखिए बड़े अच्छे से जो है गाय माता ने अपनी पूजा कराई थी, और पूजा हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ घर पे। और हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा करते हैं ना, मतलब कहीं भी मंदिर वगैरह या कहीं पर भी जाते हैं पूजा करने, तो वापस जब घर आते हैं तो स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो जरूर लगाते हैं। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है कि, और काफ़ी अब इस समय हवा चल रही थी तो मुझे दीपक का डर लग रहा था कहीं ऐसा नहीं हो दीपक जो है बुझ जाए, क्योंकि पूजा का दीपक अच्छा नहीं माना जाता बुझना। और यहाँ पे मैंने अपनी मांग में, सिंदूर में और चूड़ियों पे और अपने जो आने वाला बेबी है उसकी सलामती के लिए उसके भी जो है चंदन लगा दिया है। अब चलते हैं अंदर, सुनेंगे कथा। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसके ऊपर वाला सुनता है। तो देखिए, मतलब पता नहीं क्यों मेरी है ना सुबह से, मतलब कुछ भी नहीं खाया है मैंने, क्योंकि खाते नहीं है पूजा से पहले। और आज जो है अधिकतर मैं भूखी सी ही रहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या खाते हैं वो मैंने आपको बताया, दूध दलिया अन्य ही खाते हैं। भगवान ने सुन ली और देखिए गाय माता जो है घर बैठे आ गई, बछड़े वाली गाय थी। तो जय हो भगवान की, जय हो गाय माता की। पूजा मैंने कर दी है घर पे, यहीं पे कहानी और सुनते हैं इनकी, गाय माता की, बछ बारस की। इसको जो है वत्स द्वादशी, बछ बारस या ओक द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे जो है पुत्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है, पुत्र की सलामती के लिए। कहानी को मैं प्रारंभ करती हूँ और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। एक बार एक सेठ सेठानी थे, तो उन्होंने क्या है कि एक तालाब खुदवाया। वो काफ़ी जो है अमीर थे, तो उन्होंने एक तालाब खुदवाया। अब वो तालाब को खुदवाए हुए उन्हें 8 से 10 साल हुए, पर कभी वो तालाब नहीं भरता। तो उन्होंने बड़े बड़े जो है पंडितों को, विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि ये तालाब नहीं भरता, इतने साल हो गए इसको बनवाए हुए पर इसे कभी नहीं भरता। तो विद्वानों ने बताया कि ऐसा कोई कारण है कि उसकी वजह से ये नहीं भरता। तो बोले कि कोई उपाय बताइए, फिर कोई उपाय बताइए। तो बोले कि अगर आप अपने पोते की या बेटे की बलि दें तो ये तालाब जो है भर जाएगा। तो वो कहते हैं कि महाराज, इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है? कि नहीं, उपाय तो यही है कि आप अगर बलि दोगे तो ये तालाब भरेगा। तो बोले कि ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उनका जो सोचते हैं कि अगर बेटे को मारेंगे तो भाई बेटा तो इतना बड़ा हो गया, पाला पोसा है, शादी हो गई, बेटे को मारेंगे तो ये तो गलत है। अगर पोते को मारेंगे तो क्या है कि बच्चा तो दोबारा आ जाएगा, बेटा सही सलामत है। तो वो क्या करते हैं कि बहू को कहते हैं, ये बड़ी बहू को, कि जा बेटा है ना, तेरे घर पे तुझे मिले हुए बहुत दिन हो गए मायके, जा तू अपनी माँ से मिला। तो वो सोचती तो है कि पता नहीं क्यों अब की बार आगे से कहा है, मतलब जबकि हमेशा जो है सास ससुर मना करते हैं मायके जाने की, अधिकतर बहुओं का पसंद नहीं होता मायके जाना, तो कि बहुत दिन हो गए। तो वो सोचती है चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, कभी तो आज तो कहा। तो वो चली जाती है अपने मायके, और वो कह देते हैं कि है ना पोते को मत लेके जाना, इसको हम यहीं रखेंगे। तो बोले ठीक है। तो वो चली जाती है। अब वो पीछे से क्या करते हैं कि वो उसकी बलि दे देते हैं पोते की। जैसे ही बलि देते हैं वैसे ही इंद्रदेव इतने प्रसन्न होते हैं, उमड़ उमड़ के, मतलब इतने सारे बादल आते हैं और बहुत जोर से बारिश होती है और जो तालाब होता है वो पूरा भर जाता है। तो जैसे ही तालाब पूरा भरता है तो सभी गाँव वासियों को और इनको सबको पता चल जाता है। तो सभी लोग जो है वहाँ तालाब पे आते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी कि तालाब है ना आपका पूरा भर गया है, तो चना अपन को पूजा करनी चाहिए। तो वो जाते हैं पूजा करने के लिए। तो सब लोग घर के पूजा करने जैसे ही जाते हैं तो वो क्या है, वो सेठ जी के घर पे एक गाय होती है बछड़े वाली, तो
तो उसका नाम होता है धांधुड़ा ड्रिंगड़ा। तो वो कहती है कि उसे काम वाली से कह के जाते हैं कि हम जब तक आए ना, मतलब वो कहते हैं कि मतलब दाल और चावल उनको बना लेना। साबत जो दाल होती है, मूंग की दाल रख के जाते हैं और चावल होती है, वो तो कहते हैं कि मतलब ये बना लेना। और उनके घर में एक गाय और बछड़ा भी होता है, तो उसका नाम भी होता है धांधुड़ा झींगड़ा। तो वो क्या है, उनकी वो समझने में गलती हो जाती है, जो नौकरानी होती है काम करने वाली, उसकी समझने में गलती हो जाती है। तो वहाँ जो है सब लोग पूजा के लिए जाते हैं, तो बहू को जो है मायके वाले, उनको पता चलता है कि भाई ऐसे ताला भर गया है। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी बेटी कि तू भी, तेरे ससुराल वालों ने नहीं बुलाई कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ी पूजा हो रही है, तालाब पे तालाब भर गया तुम्हारा पूरा। इतने सालों से जो तालाब नहीं भरा वो आज अचानक पता नहीं कैसे भर गया पूरा का पूरा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले कि नहीं बेटा, पूजा में ऐसे जाना चाहिए, कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, कि नहीं जाना चाहिए पूजा में, तुम्हें पूजा भगवान के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो वो वहां से चल देती है। तो वहां जाके वो देखती है तो तालाब पे, तो वहां पूजा वूजा हो जाती है सारी। और उसके बाद जो है सब घर की तरफ जाते हैं, तो वो मतलब सबको देखती है तालाब पे, तो सब होते हैं। वो सोचती है पता नहीं मेरा बेटा क्यों नहीं आया यहाँ तालाब पे। उसको मतलब कुछ अजीब सा एहसास होता है, तो वो रोने लग जाती है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। उसके मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं। तो एकदम से है ना, तालाब में से उसका बेटा निकलता है मट्टी से सधा हुआ, और उसे कहता है माँ माँ। तो वो चारों तरफ देखती है कि बोले हाँ। फिर वो कहती है बेटा तू इतना गंदा, कि माँ है ना मैं तालाब में खेल रहा था मट्टी से। ये बोले अच्छा है। तो फिर वो उसको बेटे को लेके चल देती है। फिर मतलब सास ससुर को सब पता होता है कि भाई हमने तो इसकी बलि दी है, पर वो सोचते हैं कि भाई उस दिन क्या है, वो वत्स द्वादशी होती है। तो जो बहू होती है ना, वो वत्स द्वादशी का व्रत किए हुए होती है। तो वो वहां पे अपने मायके में इस व्रत को करती है। तो वो यही बोलती है कि भगवान मेरा जो बेटा है ना, उसको सही सलामत रखना। तो उधर जब वो घर जाते हैं, तो वो सेठ देखता है तो क्या उल्टा हो जाता है, भगवान उल्टा कर देता है। तो वो तो कहता है कि खाना बना के रखना और धांधूड़ा झींगड़ा, और वो उसको बना के रख देती है गाय को और बछड़े को। तो वो कहता है अरे मूर्ख, तूने ये कितना अनर्थ कर दिया। तो वो उसको गाड़ देते हैं, और गाड़ देते हैं। तो फिर वो अंदर आते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि भाई मतलब इसका बेटा तो वापिस आ गया, कि कैसे करूं मैं, कैसे कहूं कि गौ हत्या का पाप लगाया मेरे को, तो आज मैंने एक तरफ तो अपना पोता मार दिया, दूसरी तरफ इसकी इसने पाप कर दिया, गाय बछड़े को मार दिया। तो इतने में ही है ना, वो गाय जो होती है ना, वो रंभाती हुई आती है। फिर वो गाय आती है, और वो आके क्या करती है, वहीं जहाँ पे उसने वो हांडी गाड़ती गाड़ते हैं ना, उसी को सींगों से करती है, कुरेती है। तो वो देखते हैं तो कुरेती है ना, तो कुछ ऐसे कि हांडी में से बछड़ा जो है साबत निकल जाता है, मतलब जिंदा निकल के आता है। तो फिर वो सब है ना हाथ जोड़ते हैं, मतलब माफी मांगते हैं कि हे गाय माता, सेठ और सेठानी बहुत माफी मांगते हैं कि हम पे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बहू से भी झूठ बोला, इसके पीछे से जो अपने पोते की बलि दे दी हमने, वैसे हमारा जो इरादा था वो गलत नहीं था, हमने तो तालाब लोगों की भलाई के लिए ही बनाया, जैसा हमसे विद्वानों ने कहा वैसा कहा। तो वो कहती है बहू की ये सारी है ना आज गाय माता की कृपा है, वत्स द्वादशी है, तो मैंने उसमें व्रत किया था, तो मैंने यही कहा कि हे माँ आप सभी के बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी के बच्चों को सही सलामत रखना। तो तब से लोग जो है अपने बच्चों के लिए वत्स द्वादशी का व्रत करते हैं, गाय वाली बछड़ी की इसमें पूजा की जाती है। तो हे गाय माता, जैसे आपने उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही हम सबके बच्चों की रक्षा करना। उनके चंदन मोतियन को हार, और गाय माता की कहानी वत्स द्वादशी की कहानी मेरे जीव को आधार। जो दाल बनी पीसी थी ना, देखिए उसके जो है मैं चीले बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना दुई दलिया अन्य ही खाते हैं, तो अभी तो मैं ये खा रही हूँ, और देखते हैं बाद में भूख लगेगी तो। चने और दाल जो मैंने एक्स्ट्रा रखी थी ना, जो पीसी नहीं थी, उनको जो है थोड़ा सा छोंक लूँगी, और फिर जो है कोई और मीठा हलवा वगैरह बेसन वगैरह का बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया है, तो मैं थोड़ा सा जो है दूंगी इसमें। और फ्रेंड्स, इस दिन जो है थोड़ा सा भूखा सा ही रहती हूँ, और इस समय तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे जो है हर 2 और 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, पर क्या करें कि और कुछ खा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है मेरा ये चीलवा बन चुका है, वैसे भी मुझे ये वाला चीलवा जो है अच्छा लगता है, वैसे भी इसको मैं बनाती रहती हूँ। और ये देखो थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि मैंने एक हाथ से जो है फ़ोन पकड़ रखा था अपना, वीडियो शूट कर रही थी। तो चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं, और फिर जो है टमाटो सॉस के साथ इसे खाऊंगी।
यहाँ पर जो है मैं प्लेट लगा के ले आई हूँ, दो जो चिलवे मैंने बना लिए थे और ये सॉस है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो बहुत तेज़ जो है मुझे भूख लग रही है क्योंकि मुझे टैबलेट भी लेनी है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए मेरे साथ। जो है गाय माता को प्रणाम करके ये जो है अपना खाना खा रही हूँ, और आज ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ इस व्रत को किया जाता है तो क्या बोला जाता है और आप लोग क्या क्या खाते हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।